हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज आपके लिए एक प्रोडक्ट मंगवाया है मैंने, जो कि आता है फ्लिपकार्ट से। तो आज हमारी जो है अनबॉक्सिंग होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, आ चुका है हमारे सामने फ्लिपकार्ट से ये प्रोडक्ट, चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। आ चुका है आपके सामने ओप्पो रेनो 2F। जैसा कि सब कुछ आप देख रहे हैं, 6+256GB का ये फ़ोन है। 4 इसमें कैमरे हैं, फ्लैश है, बाकी सब तो है। बाकी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। बाकी इसके एक बार देख लेते हैं साइड से, पीछे इसमें कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। बाकी इसकी ब्रांडिंग देख सकते हैं आप, ओप्पो रेनो 2F। बाकी ये सब लिखा है, आप पढ़ सकते हैं फ़ोन कितने वेरिएंट का है, कितने रुपए का है, क्या है सब कुछ। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग शुरू हो चुकी है, तो वीडियो आप देखते रहिए पूरी एंड तक। और फ़ोन थोड़ा अनबॉक्सिंग कुछ अलग ही तरीके का है इसका। ये इसका रैपर है जो इसके ऊपर से उतरता है। ये इन्होंने पीछे का बैक दिखाया है कि फ़ोन के पीछे बैक में कैमरे का लुक थोड़ा इस तरह का है, जिसमें कि आपके 4 कैमरे आते हैं, फिर ये डेप्थ कैमरा आता है इसमें। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। काफ़ी बड़ा डिब्बा है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले ओप्पो की ब्रांडिंग, ओप्पो रेनो 2F, इसमें भी शाइन है, आप देख सकते हैं। बाकी निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है अंदर। ये कुछ मैनुअल है जो कि पढ़ता तो कोई भी नहीं है, पर मिलते हर बार ही हैं। बाकी किसी ने पढ़े हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसके अंदर होता क्या है। यह आता है पहले ओप्पो का फ़ोन, ओप्पो रेनो 2F। इसके अंदर इसका 48 मेगापिक्सल कैमरा है, अल्ट्रा वाइड क्वेड कैमरा है, अल्ट्रा नाइट मोड है 2.0, 6.5 डिस्प्ले आती है, 6.5 इंचेस की डिस्प्ले है, एमोलेड पावर डिस्प्ले है इसका, 4000 mAh की बैटरी देता है, फास्ट चार्जर है 3.0, 6+256GB इसकी मेमोरी है। बाकी देखते हैं ये और इसके अंदर क्या निकलता है। बाकी फ़ोन लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। शाइन है इसके अंदर, व्हाइटिश ब्लू, स्काई ब्लू, एक अलग ही शाइन दे रहा है ये फोन। बाकी साइड पैनल देख सकते हैं आप, सिल्वर पैनल है साइड इसका। ये पावर बटन है, ये सिम स्लॉट दे रखा है इन्होंने बगल में, ये वॉल्यूम बटन है। साइड पैनल काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा रफ सेट में दिया है इन्होंने, एक शाइन सेट होती है ना वो नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। बाकी फ़ोन लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है। ऐसा नहीं कि 4000 mAh बैटरी है तो काफ़ी हैवी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा फ़ोन लाइट वेट है। बाकी करते हैं इसको बूट, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये बूट हो रहा है, ओप्पो की ब्रांडिंग आ चुकी है ऊपर ही, पावर्ड बाय एंड्रॉइड। तब तक कर लेते हैं अपने बाकी सामान की अनबॉक्सिंग जो कि इसके अंदर साथ में आता है। बॉक्स काफ़ी अच्छा है इसका, फिनिशिंग बड़ी अच्छी दी है। ओहो, कवर भी दिया है इन्होंने साथ में, कवर बड़ा अच्छा है, थोड़ा लेदर लुक में दिया है इन्होंने। वैसे है ये प्लास्टिक में, बट कवर पहली बार किसी का ऐसा निकला, नहीं तो लगभग सबके वो वाइट ट्रांसपेरेंट कवर निकलते हैं। ये ओप्पो की फिर एक ब्रांडिंग के साथ काफ़ी अच्छा कलर कवर है, कलर भी अच्छा दिया इन्होंने ब्लू शेड में। बट फ्रेंड्स, फिर भी एक बात ध्यान रखना आप लोग कि कवर चढ़ाने से पहले आप अपने फ़ोन को लैमिनेट जरूर करवा लें, क्योंकि इसकी साइड की जो ग्रिप होती है ना, ये फ़ोन की जो है साइड ख़राब कर देती है। साइड में डस्टिंग लाने के बाद ये कवर जो है बैक पैनल ख़राब करता है आपका, तो इसलिए लेमिनेशन ज़रूर करवा लें। बाकी आता है फास्ट चार्जर इसके साथ, इसको रखते हैं साइड में, काफ़ी हैवी चार्जर है। सबसे बढ़िया चीज़ इन्होंने कर दी कि ईयरफोन दे दी इन्होंने, क्योंकि ईयरफोन काफ़ी फ़ोनों में नहीं आ रही है, और पैकिंग बड़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं एक अलग ही लुक में पैकिंग है। चलिए इसको भी करते हैं अनबॉक्स, और ये निकलती है इसकी ओप्पो की अपनी ईयरफोन्स, देख सकते हैं आप। बाकी इसको भी करते हैं साइड, ये आती है इसकी टाइप सी डाटा केबल जो कि फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट करती है, देख सकते हैं आप, टाइप सी है इसके अंदर। टाइप सी में क्या होता है, चार्जिंग फास्ट होती है, इसका ये बेनिफिट है। बाकी इसके नीचे भी कुछ है, इसको भी देख लेते हैं। सामान तो दे दिया, जगह कम है, लेकिन सामान निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। यह आती है इसकी सिम इजेक्टर टूल, ये काफ़ी अच्छा एक रैपर में दिया है इन्होंने,
तो दोस्तों फाइनली हो चुका है बूट, और बाकी फ़ोन के फीचर्स वगैरह चेक कर लेते हैं एक बार। कुछ ऐप्स जो इसके अंदर ऑटोमेटिक इंस्टॉल आती हैं, बाकी आप इनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। बाकी थोड़ा देख लेते हैं इसके अंदर कि क्या क्या है अबाउट फ़ोन में जाके। कलर आता है इसका V6.1, एंड्रॉयड वर्जन 9 देता है ये, जो कि है लॉलीपॉप। और आपका प्रोसेसर आता है ऑक्टा कोर, रैम 6GB है, स्टोरेज 256GB है टोटल। बाकी तो फ़ोन ठीक है, बढ़िया फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन बड़ा मज़ेदार है। अब से मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, इसका टच जो है वो बड़ा फ्री है, और गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आगे भी पीछे भी। बाकी इंस्टेंट अनलॉक है, टच करते ही तुम अनलॉक तुरंत। सेकंड पॉइंट सेकंड का इसका अनलॉक टाइम है, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। कैमरा क्वालिटी देख लेते हैं कुछ इसकी। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसके बैक कैमरे की बात, जो कि आता है 48 मेगापिक्सल में। आप देख रहे हैं 48 मेगापिक्सल में ये आता है बैक कैमरा। पोर्ट्रेट मोड भी आता है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा है पोर्ट्रेट मोड। जैसे कि फ्रंट कैमरे के लिए आता है पॉपअप सेल्फी, जो कि है 16 मेगापिक्सल में आता है। ये इसका पोर्ट्रेट मोड है, आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल कैमरा है। कैमरा क्वालिटी अच्छी है, इसका ब्यूटी बंद कर देते हैं, हम नॉर्मल कैमरा खींचते हैं, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा क्वालिटी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों करते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी की बात, तो आप देख सकते हैं फुल HD क्वालिटी है, एमोलेड डिस्प्ले है। साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा साउंड क्वालिटी आपने चेक करी, बढ़िया है। पिक्चर क्वालिटी आपने देखी, बहुत बेस्ट है। दोस्तों एक चीज़ और दिखाता हूँ, उसके अंदर जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे करो, ये जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया, आप देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी बेस्ट है। फुल डिस्प्ले है, पॉपअप सेल्फी कैमरा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, डिस्प्ले में कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, फुल डिस्प्ले है आपके सामने, बेस्ट एक्सपीरियंस है आपके सामने, देख सकते हैं आप। अब देख सकते हैं एक एक चीज़ कितनी क्लियर आ रही है, फुल्ली 4K। गाइस वीडियो करते हैं एंड, और अनबॉक्सिंग कैसी लगी आपको मेरी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो को इसी तरह प्यार देते रहें, और बाकी मैं वीडियो लाता रहूँगा अनबॉक्सिंग की, और भी नए नए प्रोडक्ट की वीडियो आती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।